हेलो एवरीवन, मैं हूँ शिल्पी। वेलकम बैक टू द वेजी रसोई। आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ होममेड पाव की रेसिपी। ये पाव बहुत ही टेस्टी, सॉफ्ट एंड स्पंजी हैं। अगर आप रेसिपी अच्छे से फॉलो करोगे तो आप बिल्कुल ऐसे ही पाव घर पर आसानी से बना पाओगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की ये रेसिपी। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, फॉलो करें और बेल आइकन को ज़रूर क्लिक करें, जिससे मेरे चैनल पर आने वाले लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगा। सबसे पहले मैं 3/4 कप मिल्क ले रही हूँ। मिल्क को मैंने गरम करके लिया है, पर मिल्क को हमें उतना ही गरम करना है जितना कि हम उसमें फिंगर अपनी डुबोएं और हमारी फिंगर जले ना। बस उतना ही गरम मिल्क हमें लेना है, इससे ज़्यादा गरम मिल्क हमें नहीं लेना है। उसके बाद इसमें मैं ऐड कर रही हूँ 2 टीस्पून पाउडर शुगर। आप नॉर्मल शुगर भी ऐड कर सकते हो। उसके बाद इसमें मैंने ऐड किया है 2.5 टीस्पून एक्टिव ड्राई ईस्ट। इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे और उसके बाद 10 मिनट के लिए कवर कर देंगे और ईस्ट को एक्टिवेट हो जाने देंगे। मैंने कौन सा ईस्ट यूज़ किया है उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप जाकर देख सकते हो। अगर 10 मिनट के बाद आपका ईस्ट कुछ इस तरीके की फॉर्म में आ गया है, मतलब देखने में ये इस तरीके से लग रहा है, तो आपका ईस्ट एकदम परफेक्ट है। अगर इस तरीके की फॉर्म में नहीं आया है, ऐसा देखने में नहीं लग रहा है, तो आपका ईस्ट खराब हो चुका है, उसे यूज़ ना करें। अब मैंने एक बड़ा मिक्सिंग बाउल लिया है, उसके बाद इसमें मैं ऐड कर रही हूँ 2.5 कप ऑल पर्पज़ फ्लावर और मैदा। अब इसमें मैं ऐड कर रही हूँ 1/2 टीस्पून नमक। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक इसमें ऐड कर सकते हो। उसके बाद इसमें हमने जो ईस्ट का मिक्सचर बनाकर रखा था उसे ऐड कर देंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब लगभग 1/4 कप पानी ऐड करते हुए इसका हम डो जैसा बना लेंगे। इस मिक्सचर में लगभग 1/4 कप पानी लग जाएगा, तो अभी आप देख सकते हो मैंने 1/4 कप पानी इसमें ऐड कर दिया है और अभी ये डो है काफ़ी स्टिकी है। बिल्कुल ऐसा ही डो हमें बनाना है। जी हाँ, ऐसा ही स्टिकी डो हमें बनाना है। अब इस डो को हमें 10 से 15 मिनट तक अच्छे तरीके से नीट करना है। अगर आप इसे नीट नहीं करना चाहते हो और अगर आपके पास हैंड बीटर है, तो इस तरीके का हैंड बीटर अगर आपके पास है तो उसके साथ आपके पास 2 तरीके की अटैचमेंट आई होंगी। मेरे पास 2 तरीके की अटैचमेंट है। पहली अटैचमेंट जो है उससे हम मक्खन निकालते हैं या क्रीम बीट करते हैं, और दूसरी वाली अटैचमेंट से हम डो लगाते हैं। तो अगर आपके पास इस तरीके का इलेक्ट्रिक बीटर है और इसके साथ इस तरीके की अटैचमेंट्स आई हैं, तो आपका काम है जो बहुत आसान हो जाएगा। इसे लगाने के बाद डो बहुत ही आसानी से नीट हो जाएगा। आज मैं इसी का यूज़ करके ये डो लगाऊंगी, तो आप देख सकते हो कितनी आसानी से कुछ ही मिनट में डो चिकना होना स्टार्ट हो गया है। 1-2 मिनट में आपका काम हो जाएगा। 10 से 15 मिनट तक आपको डो नीट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपकी काफ़ी सारी एनर्जी सेव हो जाएगी। तो आप देख सकते हो लगभग 1 से 2 मिनट के बाद ही ये डो काफ़ी अच्छे तरीके से स्मूथ हो गया है। और अगर आपको ये काम हाथ से करना है तो हाथ से भी कर सकते हो, बस थोड़ी सी मेहनत लगेगी। बीच बीच में मैदा डस्ट करके आप इस डो को हाथों से भी नीट कर सकते हो। और अब ये डो काफ़ी स्मूथ हो गया है, हल्का हल्का सा स्टिकीनेस है, तो उसके लिए अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 1 टेबल स्पून बटर। बटर को ऐड करने के बाद इसकी जो थोड़ी सी स्टिकीनेस है वो भी एकदम फिनिश हो जाएगी। बटर को अच्छे तरीके से डो के साथ मिक्स कर लेंगे, लगभग 1 मिनट के लिए इसे अच्छे तरीके से नीट कर लेंगे। तो अभी आप देख सकते हो डो काफ़ी स्मूथ हो गया है और अब ये हाथों पर बिल्कुल भी नहीं चिपक रहा है। तो इस तरीके का स्मूथ डो लगाकर हमें तैयार करना है। उसके बाद ऑयल से अपने बाउल को अच्छे तरीके से ग्रीस कर देंगे और उसके बाद डो पर भी थोड़ा सा ऑयल अप्लाई कर देंगे। और फिर इसे अच्छे तरीके से कवर कर देंगे। इसे हमें बहुत अच्छे से क्लिंग रैप से कवर करना है, जिससे इसमें बिल्कुल भी एयर ना जाए, तभी ये डो है वो बहुत अच्छे से प्रूव होगा। तो मैंने इसे अच्छे से कवर कर दिया है। अब इसे हम 2 से 3 घंटे के लिए प्रूविंग के लिए रख देंगे। प्रूविंग टाइम आप जहाँ रहते हो वहाँ के टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। अगर बहुत ज़्यादा गर्मी है तो डो काफ़ी जल्दी प्रूव हो जाएगा। मेरे यहाँ बहुत ज़्यादा गर्मी नहीं थी, इसीलिए इसे प्रूव होने में लगभग 2.5 घंटा लगा है। तो अभी आप देख सकते हो डो काफ़ी अच्छे से प्रूव हो गया है। इसे फिर से 1/2 से 1 मिनट के लिए अच्छे से नीट कर लेंगे। तो आप देख सकते हो अगर डो में आप इस तरीके से फिंगर डिप करोगे, ये वापस अपनी फॉर्म में आ जाएगा, तो इसका मतलब है आपका डो एकदम परफेक्ट है। अब इस डो को मैं 3 सेक्शन में डिवाइड कर रही हूँ। इस
इस डो को मुझे 9 पोर्शन में डिवाइड करना है, तो अब इन 3 सेक्शन को भी मैं 3-3 पोर्शन में डिवाइड कर लूँगी। सारे पोर्शन को हमें इस तरीके से टक करते हुए एक बॉल की फॉर्म में बना लेना है। तो सारे पोर्शन को मैंने अच्छे से टक कर लिया है। अब मैंने यहाँ पर ये एक बेकिंग ट्रे ली है। अगर आपके पास इस तरीके की ट्रे नहीं है तो डायरेक्टली जो आपकी पिज़्ज़ा वाली ट्रे होती है उस पर भी आप इन्हें बेक कर सकते हो। बेकिंग ट्रे को मैंने अच्छे से ऑयल से ग्रीस करके बटर पेपर अप्लाई कर लिया था। बटर पेपर अप्लाई करने से ये पाव जो है बहुत आसानी से ट्रे से बाहर आ जाएंगे। अब हम इसे सेकेंड प्रूविंग के लिए रख देंगे। लगभग 45 से 50 मिनट के लिए हमें इसे सेकेंड प्रूविंग के लिए छोड़ देना है। तो आप देखोगे 45 मिनट के बाद ये काफ़ी अच्छे से फिर से प्रूव हो गए हैं। अब मैंने इस पर हल्का सा मिल्क अप्लाई कर दिया है। मिल्क अप्लाई करने से काफ़ी अच्छा कलर आता है। अगर आप एगिटेरियन या नॉन वेजिटेरियन हो तो आप इस पर एग वॉश भी अप्लाई कर सकते हो। अब हम इसे अपने OTG में बेक कर लेंगे। तो OTG में बेक करने के लिए पहले अपने OTG को 200 डिग्री सेंटीग्रेड पर 10 मिनट के लिए प्रीहीट कर लें और उसके बाद 200 डिग्री सेंटीग्रेड पर ही इन पाव को 20 से 22 मिनट के लिए बेक कर लें। और अगर आपके पास OTG नहीं है, माइक्रोवेव अवन है, तो आप इन्हें उनमें भी बेक कर सकते हो। 200 डिग्री सेंटीग्रेड पर अपने माइक्रोवेव को कन्वेक्शन मोड पर प्रीहीट कर लें और उसके बाद 200 डिग्री सेंटीग्रेड पर ही कन्वेक्शन मोड पर इन्हें 20 से 22 मिनट के लिए बेक कर लें। तो लगभग 20 मिनट के बाद इन्हें मैंने निकाल लिया था। 20 मिनट में ये परफेक्टली बेक हो गए थे। अब हम इन पर बटर या ऑयल अप्लाई कर देंगे। मैंने बटर अप्लाई किया है। बटर अप्लाई करने से बहुत अच्छी सी साइन आ जाती है। स्टार्टिंग में जब आप अपने पाव निकालोगे तो इनका टॉप का पार्ट जो है वो थोड़ा हार्ड हो सकता है, बट फिर हमें इन्हें कवर करके रख देना है जिससे स्टीम की वजह से इनका टॉप का पार्ट एकदम सॉफ्ट हो जाएगा। थोड़ी देर के बाद ठंडा हो जाने के बाद ये एकदम सॉफ्ट हो जाएंगे। जब आपकी ट्रे थोड़ी सी ठंडी हो जाए उसके बाद हमें इन्हें ट्रे से निकाल लेना है और किसी वायर रैक पर अच्छे तरीके से ठंडा हो जाने देना है। अगर आप इन्हें ट्रे में ही छोड़ दोगे तो नीचे से स्टीम की वजह से ये थोड़े से गीले होना स्टार्ट हो जाएंगे। तो अभी ये पूरी तरीके से ठंडे हो चुके हैं। आप देख सकते हो पाव काफ़ी सॉफ्ट हैं एंड स्पंजी भी हैं। बहुत ही सॉफ्ट एंड स्पंजी पाव बनकर तैयार होते हैं। अगर आप सारे स्टेप एकदम अच्छे से फॉलो करोगे तो बिल्कुल ऐसे ही सॉफ्ट एंड स्पंजी पाव बनाकर आप अपने घर में तैयार कर सकते हो। तो आप देख सकते हो पाव कितने सॉफ्ट हैं, एकदम रुई जैसे मुलायम पाव बनकर तैयार हुए हैं। तो रेसिपी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक का बटन ज़रूर क्लिक करें। वीडियो को अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करें। फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।